नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जिनको किसी भी तरह का पेन रहता है, बॉडी पेन। वो मस्कुलर पेन हो सकता है, वो जॉइंट पेन हो सकता है, चाहे शरीर के किसी भी भाग का दर्द हो, एड़ी का दर्द, कंधों का दर्द, उंगलियों का दर्द, बाह का दर्द, हड्डियों का दर्द हो या मस्कुलर पेन हो, हर एक के लिए ये पेन किलर है, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। पहला, हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, नेचुरल पेन किलर है। दूसरा, हम मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं जो शरीर से अपान वायु को निकालेगा जो इस दर्द का कारण है। तीसरा, ठंडा और गर्म सेक जो बहुत ही कमाल का असर दिखाता है दर्द को कम करने में। और चौथा, ये दर्द निवारक तेल। ये चार अभ्यास बहुत ही कमाल के हैं, आपका दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ब्रीदिंग से। सही तरीके से सांस लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ये आप सभी को पता है। जब शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा हो, उस भाग पर ध्यान लगाकर जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वेयर कॉन्सेंट्रेशन गोस, एनर्जी फ्लोज, उस जगह पर प्राणों का प्रवाह होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रीदिंग एक नेचुरल पेन किलर है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि शरीर के जिस भी भाग में आपको दर्द है वहाँ ध्यान लगाते हुए सांसें लें। कब लेना है? किसी भी वक्त। कितना लेना है? जितना मर्जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ध्यान लगाकर डीप ब्रीदिंग करना। दूसरी चीज़, मुद्रा का अभ्यास। ये ख़ास तौर से उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जिन्हें जॉइंट पेन रहता है या शरीर में वात की अधिकता है, वो लोग वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। कैसे? अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर लगाना और थंब से इस तरह से इंडेक्स फिंगर को दबा देना। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाकर इस तरीके से आप बैठ जाएं, उस वक्त डीप ब्रीदिंग भी करें, मुद्रा भी लगा कर रखें। तो ऐसा करने से आपके जॉइंट्स में जो एयर के कारण जो दर्द होता है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उन्हें ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तीसरी चीज़, आपको ठंडा और गर्म सेक करना है। गर्म सेक के लिए या तो आप इस तरह के जो इलेक्ट्रिक पैड्स आते हैं वो यूज़ करें, या जो एक बॉटल आती है उसमें गर्म पानी भर के हम उसका भी सेक कर सकते हैं। अगर वो बॉटल भी नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भर के उसको टावल में रैप कर लें अच्छे से, और उससे आप अपने शरीर का सेक करें। मान लीजिए आपको कंधों में दर्द है तो इसको यहाँ पर कंधों पर लगाकर आप इसका सेक करेंगे। 5 मिनट गर्म सेक करें, उसके बाद उसको हटाकर ठंडा सेक करें। ठंडे सेक के लिए भी इस तरह के आइस पैक्स आते हैं, या तो आप वो अप्लाई करें जहाँ पर भी दर्द हो रहा है, या फिर आप फ्रीज़र में से बर्फ़ लेके उसको प्लास्टिक की थैली में डालकर उससे भी आप सेक कर सकते हैं ताकि आपके कपड़े गीले ना हो। तो ठंडा और गर्म सेक 3-4 बार इसे करें, गर्म करें फिर ठंडा करें, फिर गर्म फिर ठंडा, ये आपको सबसे ज़्यादा आराम देगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा। और सेक के बाद आप उस जगह पर ऑयल अप्लाई करेंगे। ये विशेष दर्द निवारक तेल कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। आप इसके लिए लेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आधा कटोरी सरसों का तेल ले लें, उसमें आपको डालना है दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड्स सबके किचन में अवेलेबल होता है, 1 चम्मच दाना मेथी डाल दें। इसमें आप ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, कैरम सीड्स, और 1 चम्मच कलौंजी, जो अचार में डलती है ना कलौंजी, नाइजेला सीड्स, 1 चम्मच ये डाल दें। इनको रात भर इस तेल में रहने दें और सुबह इस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें। ध्यान रखें इस तेल को जलाना नहीं है, बॉईल नहीं करना है। अब इस तेल को ठंडा होने के बाद बॉटल में भर के रख दें। इन बीजों के सहित ही बॉटल में भर लेना है ताकि इस तेल की गुणवत्ता दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मेथी, कलौंजी और अजवाइन के गुणों को अपने अंदर समाता चला जाएगा। इसकी बढ़िया सी मालिश करें। मान लीजिए आपको उंगलियों में दर्द है तो इस तरह से उंगलियों में बढ़िया सा इस तेल को लगाएं
आपको गर्दन में दर्द है तो गर्दन में लगाएं, घुटनों में दर्द है तो घुटनों में इसकी मालिश करें। तेल लेने में कंजूसी नहीं करनी है, खूब अच्छी मात्रा में तेल लें, बाद में आप इसे पोंछ सकते हैं। तो बढ़िया सी अच्छे थोड़ा सा दबाव देते हुए उस भाग की मालिश करनी है आपको। तो इसमें जो तीनों चीज़ें हैं ये दर्द निवारक हैं, आपके शरीर से पेन को खींच लेंगी और ये बिल्कुल नेचुरल है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही बढ़िया हैं। उस भाग में आपको तुरंत ही आराम महसूस होगा। और जब ये तेल लगा रहे हैं तो इसके साथ साथ रब थेरेपी भी हो रही है। किसी भी भाग में जब हम मालिश करते हैं तो उस भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और इसके कारण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। वहाँ पर जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो उस ब्लड के साथ बहकर चले जाते हैं और इस कारण आपको दर्द में बहुत आराम मिलता है। बहुत ज़्यादा दर्द है तो दिन में 2 बार अप्लाई करें, और रात को सोने से पहले अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस जगह पर सूती कपड़ा बांध लें ताकि आपकी बेडशीट और आपके कपड़े खराब ना हो। ये 4 चीज़ें अगले 10 दिन करके देखें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। करके देखें आप थोड़े दिन ये अभ्यास, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका कितना बढ़िया असर आपके ऊपर आया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लें। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।